चलें अब क्वेश्चन पढ़िएगा. अ स्टूडेंट डिटरमाइंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास. ये टॉपिक है लाइट ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स बहुत आता है एटीपी में, और एटीपी में कोई, मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, कोई लंबी चौड़ी मेमोरी नहीं चाहिए होती. आप जब भी एटीपी का कोई पेपर करोगे ना, तो बस आप ये याद रखो कि एटीपी को बस आपने सवाल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखें, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट कैन परफॉर्म टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट वैल्यू फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, नॉर्मल लेबोरेटरी इक्विपमेंट इज अवेलेबल. In your description of the experiment, you should state the equipment used, describe how the experiment is done, state the reading taken, explain how the refractive index is obtained from the reading, describe how the student makes the experiment accurate. ये basically सवाल है optics से related. कुछ लोगों ने शायद ये lab में किया हो, वरना आप इसको orally देखेंगे. वो क्या है कि आप एक wooden board लेते हैं, उस पर आप एक white paper लगाते हैं, और व्हाइट पेपर पे आप एक ग्लास का ब्लॉक रखते हैं, और ग्लास के ब्लॉक से, ग्लास का जो ब्लॉक होता है उससे आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. देखिए ये वाला, इसमें आपको यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसने आपको अगले पेज पर ये डायग्राम बनाने को बोला हुआ है. आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा. Describe an experiment the student can perform. तो जब आप इस क्वेश्चन को, सब लोग पहले ईयर नंबर निकाल लें, और जब सब लोग इस क्वेश्चन को अपने सामने रखेंगे, सर आप ईयर नंबर रिपीट करेंगे? सर मैंने ईयर नंबर ग्रुप पे चेक करें, जून 15, 41. ये मैंने ग्रुप पर भी ईयर नंबर लिख दिया. देखो अब ये ग्लास ब्लॉक है. एक्सपेरिमेंट कैसे वर्क करता है, ये बेसिकली पिंस वाला एक्सपेरिमेंट है जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. हम इसमें पिंस लगाएंगे. नहीं, हम क्या करेंगे कि हम पहले ग्लास ब्लॉक को रखेंगे पेपर पे, व्हाइट पेपर पे. ग्लास ब्लॉक को व्हाइट पेपर पे रख कर उसको हम पेंसिल से आउटलाइन कर देंगे. यहाँ पर दो पिंस लगाई जाएंगी, दो पिंस होंगी P1 और P2.
और उसको देखकर जब आप इस ग्लास ब्लॉक के थ्रू देखेंगे तो आपको ये दो पिंस इधर खड़े होके नजर आएंगी। आप दो पिंस और लगा देंगे P3 एंड P4, क्योंकि ये कॉमन पिंस होती है, छोटी छोटी पतली पतली पिंस होती है, जहां पिंस के निशान होंगे उसको फिर आप रूलर से जोड़ देंगे तो ये पूरी फिगर बन जाएगी। मैं शुरू से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक व्हाइट पेपर लेते हैं, वुडन ब्लॉक के ऊपर रख देते हैं जैसे ड्राइंग बोर्ड होता है सबसे पहले हम, उसके बाद एक गिलास ब्लॉक रखते हैं, ये वाला गिलास ब्लॉक को रख कर हम उसको पेंसिल से आउटलाइन कर देते हैं, पेंसिल से उसको आउटलाइन कर देते हैं। जो कॉमन पिंस होती हैं, दिस आर कॉल्ड कॉमन पिंस, वो जो कॉमन पिंस होती हैं, दो पिंस यहाँ लगा दें और इस तरफ बैठकर पिंस को देखें। जब आप पिंस को देखेंगे तो आपको ये दो पिंस इस तरफ नजर आएंगी, जब इस तरफ नजर आएंगी तो उनको देखकर आप दो पिंस और लगाएंगे P3 एंड P4। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये लाइन बन जाएगी। दिस इज द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड रिफ्रैक्शन। आपको जैसे मैंने समझाया था कि अपने रियल पेपर यूज करिएगा, आपकी जो पेपर फोर की बुक होती है वो आपके पास होनी चाहिए, पेपर फोर की बुक निकाले और उस पर ये ड्राइंग करें नीटली। हाँ बोले बोले। सर हाँ बोले। सर इसकी कोई वीडियो डेमोंस्ट्रेशन? हाँ, इसकी वो जो अभी जब ये नॉर्मल क्लास में आएगा तो मैं आपको इसकी वीडियो डेमोंस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। सब लोग इसको कॉपी करिएगा नीटली।
कि हम इसको, अब जैसे एक बच्चे ने पूछा कि हम इसको डेमोंस्ट्रेट कैसे करेंगे, तो अभी हमारा जब लाइट का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं तो लाइट में मैं आपको इसकी कुछ वीडियोस दिखा दूंगा। ये बहुत आसान होता है, बस इसमें आपको एक्सपेरिमेंट में पिंस लगानी होती हैं, कॉमन पिंस, और उनको लगा कर ये एक्सपेरिमेंट होता है। अच्छा, अब आपने जो लिख लिया, जो डायग्राम बनाई, अब आप इसकी लाइनों वाली जगह पे आइएगा जहाँ इसने ये लाइनें दी हुई हैं, और इसमें आपको ये दे रहा है 5 मार्क्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं। तो इसमें लिखिएगा कि टेक अ वुडन ब्लॉक, लिखिएगा टेक अ वुडन ब्लॉक, प्लेस अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन इट, प्लेस अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन इट, प्लेस अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन इट, प्लेस द सेमी सर्क्यूलर ब्लॉक, प्लेस द सेमी सर्क्यूलर ब्लॉक प्लेस द सेमी सर्क्यूलर ब्लॉक आउटलाइन इट by a sharp pencil, outline it by a sharp pencil, outline it by a sharp pencil, आगे लिखिएगा fix 2 pins P1 and P2, fix 2 pins P1 and P2 as shown, fix 2 pins P1 and P2 as shown, observing from the other side, यहां बैठकर इधर, observing from the other side, observing from the other side, put 2 more pins P3 and P4. Sir, other side of the block. हाँ, बस अदर साइड बोल दो, वो अदर साइड अंडरस्टूड लैंग्वेज होती है। ऑब्जर्विंग फ्रॉम द अदर साइड पुट 2 more pins P3 एंड P4 such that all the 4 pins appear to be in a straight line, such that all the 4 pins appear to be in a straight line, appear to be in a straight line, remove the block and the pins, remove the block and the pins, join them by
straight lines, join them by straight lines draw a normal ये वाली line draw a normal as shown ऐसे करके normal बनेगा ये वाला draw a normal as shown Draw the normal as shown. Using a protractor, measure angle I. Using a protractor, measure angle I. And angle R. Angle I and angle R use the formula ये वाला देखें use the formula फिर ये formula लिख दें use the formula To find refractive index, use the formula to find refractive index. ठीक है अब ये वाला क्वेश्चन हो गया अब इसमें कुछ लोगों को ये याद आया होगा और कुछ लोगों को याद नहीं आ सका होगा ऑप्टिक्स जो है ऑप्टिक्स काफी लोगों ने क्लास टेंथ में किया हुआ है मैंने अब इसकी एक यूट्यूब पे वीडियो जो है वो शेयर की है आप सब लोग उसको जरा जल्दी से देख लें तो मैं आपको ये थोड़ा और समझा दूं क्योंकि हमें जाहिर है कि इस वक्त मॉक्स हो चुके हैं कुछ लोगों ने इसको रिवाइज भी किया है कुछ लोगों को ये भी याद होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है लेकिन सबको याद नहीं होगा तो मैंने एक वीडियो शेयर की है जरा उसको प्लीज देख लें और फिर मैं आपको दो तीन मिनट के बाद थोड़ा सा इस पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ
जो लोग एनिमेशन देख लें वो मुझे ग्रुप पे प्लीज इंटीमेट कर दीजिएगा यहाँ पर, जो लोग एनिमेशन देख लें वो माइक पर या चैट पर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सर पूरी वीडियो देखनी है, अगर उसका शुरू का आधा अगर आधी वीडियो भी देख लेते हैं तो मसला हल हो जाएगा। जैसे अब थोड़ा सा जिन लोगों ने तो अभी मॉक दिए हैं तो उन्होंने इसको पूरा देखा भी होगा, लेकिन देखने से बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है कि एक्चुअली ये बेसिकली जो पिंस लगा रहे हैं, पहले दो पिंस लगाते हैं, वो जो ग्लास स्लैब दिखा रहे हैं वो रेक्टेंगुलर है, मैंने जो यूज किया है वो सेमी सर्कुलर है, चूंकि दिया हुआ यही था, एक्सपेरिमेंट की लॉजिक वही है, पहले दो पिंस लगाएंगे, इधर बैठकर दो पिंस और देखेंगे और चारों पिंस एक लाइन में दिखेंगी। और ये बड़ी अच्छी नॉलेज है कि आप ये सब लोगों के बहुत कम बच्चों ने इसको लैब में देखा होगा, तो इसको थोड़ा सा देख लें, बाकी लोग भी मुझे अपडेट करें जब उसको देख लें। ठीक है, अब जिन लोगों ने इसको देख लिया, बाकी आप इसको अगर आराम से फिर भले देख लीजिएगा। अब मुझे दो तीन बातें इसमें रिवाइज करानी है जो कि लाइट के चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब भी ये एक्सपेरिमेंट करना हो आपको इसे ज़रा कम ब्राइट रूम में परफॉर्म करना होगा, जहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी होती है वहाँ ये एक्सपेरिमेंट सही वर्क नहीं करता। द एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी कंडक्टेड इन अ वेरी ब्राइट रूम एज अ रेगुलर रूम ब्राइटनेस, इट शुड बी कंडक्टेड इन अ लेस ब्राइट रूम। दूसरी बात नोट करें, ये जो पिंस उसने आपको दिखाई एनिमेशन में वीडियोज में, इनमें से कोई भी पिन इस्तेमाल हो सकती है, कलर पिंस जरा आराम से दिखती हैं, वरना वो जो कॉमन पिंस होती हैं घर में जो पेपर में लगाते हैं वो भी इस्तेमाल हो सकती हैं। जो पिंस होती हैं वो लगाते क्यों हैं, क्योंकि हम वैसे तो लाइट रे को नहीं देख सकते, वी नीड समथिंग टू स्टैंड फॉर लाइट, कुछ ऐसा दिखना चाहिए जो लाइट को रिप्लेस करे। यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, तो दो पिंस लगाकर हम पीछे आकर दो पिंस और लगाते हैं। टेक्निकल कॉन्सेप्ट ये है कि चारों पिंस एक लाइन में दिखनी चाहिए, तब जाकर आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। तो मैंने आपको दो तीन चीज़ें समझाई, मैं आगे जब दोबारा ये टॉपिक आता है तो आई विल ट्राई कि ये फर्दर डिस्कस हो, क्योंकि ऑप्टिक्स में बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, बस आपको ड्रॉ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टूडेंट मेजर्स द टाइम फॉर विच अ 1.5 वोल्ट सेल कैन प्रोवाइड अ स्टेडी करंट ऑफ 0.3 एम्पीयर, द स्टूडेंट सेट अप अ सर्किट इंक्लूडिंग द सेल, शी मेजर्स द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द सेल एंड वेरीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट टू कीप द करंट कॉन्स्टेंट इन द स्पेस बिलो, draw the circuit she uses. चलो सब लोग, ये वो टॉपिक है जो आप लोगों ने मेरे साथ किया हुआ भी है,
और मेरा प्लान है कि इस हफ्ते में इसकी रिवीजन भी करवाऊं थोड़ी सी, वर्कशॉप जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हर साल पेपर में आता है। ये कह रहे एक सर्किट बनाओ, इसके पास स्टूडेंट के पास 1.5 वोल्ट का सेल है और वो कह रहे हैं कि वो 0.3 एम्पीयर का करंट देगा, और वो कह रहे हैं करंट प्रोड्यूस बाय द सेल एंड वेरी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट टू कीप द करंट कांस्टेंट। तो अब ये सर्किट में क्या चीज लगाते हैं, वो क्या चीज होती है जो करंट को कांस्टेंट कर सकती है, बताओ वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट रेजिस्टर। हाँ, रियोस्टेट। रियोस्टेट इज अ रेजिस्टर विच कैन कंट्रोल द करंट, मेजर द करंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को मेजर करता है? एमीटर। एमीटर, गुड। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो टाइम को मेजर करेगा? टाइम। वॉच। वॉच तो आप फिजिक्स की टर्म में बोलेंगी, तो क्या होगा? स्टॉप क्लॉक। वॉच तो बेसिकली स्टॉप वॉच, तो आप इसमें स्टॉप वॉच कर दें या स्टॉप क्लॉक कर दें। चलें, अब इसमें सब लोग पहले सर्किट कॉपी करें, जरा सर्किट्स की रिवीजन हो जाएगी इसमें। ये है क्वेश्चन नंबर 4, सर्किट बनाएं। Name the equipment the student uses to measure the current. यहां लिख दो ammeter, यहां लिख दो ammeter, यहां लिख दो rheostat, ये वाला, ये, जी बोले सर। अगर हम लोग ammeter को lamp के left पे लगा दें तो क्या होगा? किसको? ammeter को। से कुछ नहीं होता, ammeter तो सीरीज में लगता है, कहीं भी लगा दे। एमीटर सीरीज में लगना चाहिए, इधर लगाएं या उधर फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लिखो वेरी द रेजिस्टेंस में लिख दो रियोस्टेट, और मेजर द टाइम उसमें लिख दो स्टॉप क्लॉक। ठीक है, अब सर्किट बन गया, हमने उसके नीचे तीनों चीजें लिख दी।
the student chooses from three analog meters to measure the current. The meters have ranges 0 till 10, 0 till 1, and 0 till 0.1. Explain why the 0 to 1 ampere meter is the most suitable. अब ये अच्छा question है. इसके पास तीन तरह के meters हैं. अब मेरे पास battery है 1.5 और current देखो कितना है. How much is the current? जो current है वो सिर्फ 0.3 है. जो करंट है वो सिर्फ 0.3 है, तो 0 टू 10 में भी मेजर हो रहा है और 0 टिल 1 में भी मेजर हो रहा है, लेकिन 0 से 0.1 में तो मेजर हो ही नहीं सकता. तो इसको तो चले छोड़ देता हूं. इनमें से एक तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला छोड़ दें. अब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं लेना चाह रहा हूं ये वाला. आप बताओ ये क्यों ले रहा हूं मैं, 0 टू 1 क्यों लूं? 0.3 to 0 to 10 में भी आ रहा है. जिस इंस्ट्रूमेंट की रेंज कम होती है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है. तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहां शेयर करना होगा एग्जामिनर के लिए कि उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा नहीं, खाली एक्यूरेसी नहीं बोल सकते. चलो पार्ट थ्री का आंसर लिखो. मोस्ट सूटेबल क्यों है? आप लिखोगे इट हैज अ शॉर्टर रेंज, इट हैज अ शॉर्टर रेंज इट हैज अ शॉर्टर रेंज कॉमा ग्रेटर सेंसिटिविटी चले. अब आ जाए अगले पार्ट पे. डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट एडजस्ट द सर्किट टू कीप द करंट कांस्टेंट. अब ये जरा ट्रिकी पार्ट है, आपको फिर वापस पढ़ना पड़ेगा कि ये स्टूडेंट कर क्या रहा है. ये जब सर्किट बनाएगा, ये कह रहे हैं कि ये पता करना चाहता है कितनी देर तक ये 1.5 वोल्ट का सेल चलेगा और इसका करंट कह रहे हैं स्टेडी. अब बैटरी जैसे जैसे वीक होती जाएगी तो फिर तो करंट कम होता जाएगा. ये चाहता है कि करंट स्टेडी रहे. अब स्टेडी करंट कैसे रखेंगे? जब बैटरी वीक हो रही होती है तो आहिस्ता आहिस्ता करंट कम होता जाता है. तो ये जरा ट्रिकी पार्ट है. अब हम इसको जरा एड्रेस करें कि ये जो करंट है ये चाहता है कि करंट स्टेडी रहे. देखो हाउ द स्टूडेंट एडजस्ट द सर्किट. इसका तरीका ये है कि आपके पास ये सर्किट दिखाई दे रहा है. तो यहाँ स्विच है, यहाँ बैटरी है, यहाँ रियोस्टेट है. अब जब ये ऑन कर देगा तो आहिस्ता आहिस्ता बैटरी ड्रेन होना शुरू करेगी.
इसको चाहिए कि ये रियोस्टेट की रेजिस्टेंस कम करता जाए, रेजिस्टेंस कम करता जाएगा तो वो करंट कंपनसेट होता रहेगा, और अगर ये आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस को कम करता जाए तो बैटरी का जो लॉस है वो पूरा होता रहेगा और करंट जो है वो स्टेडी रहेगा। तो आंसर लिखिएगा, दिस इज पार्ट नंबर फोर। पार्ट नंबर फोर पे आ जाए और पार्ट नंबर फोर पे लिखिएगा, उसमें लिखिएगा कि यूजिंग द रियोस्टेट डिक्रीज द रेजिस्टेंस, यूजिंग द रियोस्टेट डिक्रीज द रेजिस्टेंस using the rheostat decrease the resistance as the cell drains, using the rheostat decrease the resistance as the cell drains, jaise jaise cell drain hota jaye aap resistance kam karte jao. A second student repeat the experiment using a much larger current. ab ye ek memory hai, ये आखिरी पार्ट है पेपर का। बताओ अगर दूसरा बच्चा ज्यादा करंट, कहते हैं मच लार्जर करंट, ज्यादा करंट यूज करने में क्या खतरा है? किसी भी सर्किट में अगर आप ज्यादा करंट इंगेज कर दें तो क्या खतरा है? बताएं, इसमें अब चूंकि मुझे इसका आंसर आप लोग दें ताकि मैं आगे, हाँ ठीक है, ओवर हीटिंग, गुड, वेरी गुड आदेश, तो ये अच्छी बात है। कुछ लोग अब नोट्स वगैरह लर्न कर रहे हैं और सबको लर्न कर लेने चाहिए। देखो ज्यादा करंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उससे ना ओवर हीटिंग हो जाती है। तो आप लिख दो आंसर, यहाँ लिख दो ओवर हीटिंग, यहाँ पर लिख दो आंसर की स्पेस में लिख दो ओवर हीटिंग। चलें फिर हम इसको आज के काम को यहीं तक रोक लेते हैं। ये वाला पेपर कंप्लीट हो गया, हम इसको फिर इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।